हे हाय, मैं हूँ डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, आपका फेवरेट डॉक्टर। और आज का जो मेरा वीडियो है वो इस टॉपिक के ऊपर है कि हमें कब पानी पीना चाहिए, बेस्ट वे, हमें कब अपनी बॉडी और स्किन को हेल्दी रखने के लिए हमें कब कब पानी पीना चाहिए, राइट वे, राइट टाइम जो होना चाहिए, एटलीस्ट हमें वो पता होना चाहिए। क्योंकि हम कभी भी उठ के पानी पी लें तो वो ज़रूरी नहीं हमें फ़ायदा करे, वो हमें नुकसान भी कर सकता है। तो कैसे नुकसान करेगा तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। उसके पहले मैं थोड़ा पानी पी लूँ। देखो, जल्दीबाजी में पानी पियोगे ना तो ऐसे गिर जाएगा। तो कभी भी पानी पियो तो बहुत रिलैक्स होके बैठ के पियो, खड़े होके कभी पानी मत पीना। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बैठ के पानी पीना चाहिए। मैं बैठा हुआ था बट जल्दबाजी में था क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है, तो फिर भी मैंने पानी गिरा दिया। तो ऐसे जगह आप जल्दबाजी में पानी पियेंगे और नीचे गिराएंगे तो लोग कहेंगे कि आपने क्या कर दिया, ये गंदा, बट ठीक है, इट्स ओके। तो सबसे पहला, जैसे कि मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ कि पानी, और हम सबको पता है पानी हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए, आपको हेल्दी स्किन चाहिए, हेल्दी बॉडी चाहिए, तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको पता है। और लोग, आपको पता भी है कि 4 से 5 लीटर पानी पीना एक दिन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, हेल्दी स्किन को, ग्लोइंग स्किन को रखने के लिए। बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप 4-5 लीटर पानी पियो, बट जब भी पानी पियो आप एटलीस्ट 4-5 गिलास दिन भर में पानी पियो। उसके राइट टाइम मैं आपको बताऊँगा, उसकी रीज़न बताऊँगा, सो दैट आप एटलीस्ट उतना तो बॉडी को हेल्दी थोड़ा बना सको। सबसे पहले जैसी सुबह आप उठते हैं मॉर्निंग में, आपको 1 गिलास पानी पीना है विदाउट डूइंग ब्रश। ब्रश नहीं करना, टूथपेस्ट नहीं करना है, मतलब आपको ब्रश नहीं करना है। वो गंदा जो मुंह है ना, आपको उसी में 1 गिलास पानी पीना है। आप बोलोगे छी यार, एक ऐसा डॉक्टर है, बट आपको पता है कि आपके जो रात भर में आपके मुंह में जो बैक्टीरिया कलेक्ट होंगे वो आपकी डाइजेशन को कितना हेल्प करेंगे, आपकी बॉडी को कितना हेल्प करेंगे, वो बॉडी की डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी की डाइजेशन में। तो हमेशा सुबह उठ के 1 गिलास पानी, कुनकुना भी पी सकते हैं, वो आपकी बॉडी के सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, आपके डाइजेशन को एक्टिवेट करेगा, और जो मुंह में जो रात भर में बैक्टीरिया कलेक्ट होते हैं वो आपके पेट में जाएंगे और डाइजेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। और हम जब सुबह उठते हैं बॉडी को भी एक्टिवेट होना पड़ता है, तो वो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को भी एक्टिवेट करेगा। दूसरी बात, जब आप वर्कआउट करते हैं, अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं तो आपको आफ्टर वर्कआउट पानी, और बिफोर वर्कआउट और ड्यूरिंग दी वर्कआउट आपको पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब हम वर्कआउट करते हैं, बहुत सारे लोग जस्ट टाइम के लिए, टाइम पास के लिए जिम जाते हैं, मगर जो सीरियसली जिम जाते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, या जो साइकिलिंग चलाते हैं, या थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं जिम में, थोड़ा और डंबल वम्बल उठाते हैं रात में कुछ भी, तो उनको पसीना आता है। आपको पता है पसीना आएगा तो बॉडी से सॉल्ट, सोडियम पोटेशियम, यू नो, सॉल्ट आपके कम होते हैं, निकलता है, तो आपकी बॉडी में पानी की कमी होने लगती है, तो डिहाइड्रेशन होने लगता है। तो बिफोर वर्कआउट, आफ्टर वर्कआउट और ड्यूरिंग द वर्कआउट पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो टॉक्सिन्स को और ज़्यादा रिमूव कर सके और पानी की कमी ना हो। बिकॉज पानी की कमी होगी तो फिर डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा तो आपकी झुर्रियाँ और रिंकल्स और स्किन बहुत अनहेल्दी दिखेगी, ठीक है, और आप भी अनहेल्दी से दिखोगे। बिफोर टेकिंग बाथ, आप जब नहाने जाते हैं, आप दिन में जाओ, दोपहर में जाओ, शाम को जाओ, मैं तो जनरली जब मैं क्लिनिक आता हूँ, जैसे शाम को मैं इसी समय क्लिनिक आता हूँ, अभी बज रहा होगा अराउंड 4 o'clock, मेरा टाइमिंग क्लिनिक का 4 to 9 है, मैं जनरली 4 to 9 आता हूँ, मेरी क्लिनिक तो 11 to 9 खुल जाती है, बट मैं थोड़ा आलसी आदमी हूँ तो मैं शाम को वक्त क्लिनिक जाता हूँ, तो मैं क्लिनिक आने के पहले नहाता हूँ, मैं बिना नहाए घर से नहीं निकलता हूँ, ठीक है। तो जब आप घर नहाने जा रहे हो तो 1 गिलास पानी पी के नहाने जाइए, वो आपकी बॉडी के बीपी को, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा। और बिफोर वर्कआउट जब आप पानी पीते हैं ना, जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो भी आपको हार्ट बीट को भी नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है। और बिफोर बाथ जब आप नहाते हैं तो बिफोर बाथ आपके जो ब्लड प्रेशर है, जिनको अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत भी है, तो आप पानी पी के जाइए, 1 गिलास पानी पिए, आपको ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा। 1/2 गिलास पानी या 1 गिलास पानी खाना खाने के आधे घंटे पहले पीना चाहिए। जब भी आप खाना खाएं, लंच करें, डिनर करें, आप 1/2 आवर पहले 1/2 या 1 गिलास पानी पी लीजिए। ड्यूरिंग द फूड, ड्यूरिंग लंच और डिनर, आप खाने के बीच में पानी मत पीजिए, 1/2 घंटे पहले आप पानी पी लीजिए, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, आपके जो जूसेस उसको सीक्रेट करने में हेल्प करेगा। ड्यूरिंग द फूड और बिफोर हैविंग फूड अगर आप पानी पीते हैं तो वो आपके डाइजेस्टिव जूस को डाइल्यूट कर देगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? जो एसिड हमारे फूड को डाइजेस्ट करेगा, तोड़ेगा, पचाएगा, जब तक वो टूटेगा नहीं फूड, ठीक है, वो फूड टूटेगा नहीं, वो डाइजेस्ट नहीं होगा प्रॉपरली, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा,
ठीक है, तो वो एब्जॉर्ब कौन करता है, वो हमारे एसिड, जो पेट के अंदर जो एसिड बनते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में एसिड बनते हैं, बाइल पिगमेंट बनते हैं, जो भी बनते हैं, जो भी चीज़ें बनती हैं एसिड वगैरह, और एसिड बनता है जो स्टोमक के अंदर बनता है एसिड, जो उसको तोड़ता है, वो अगर डायल्यूट हो गया तो वो अपना वर्क नहीं कर पाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? वो प्रॉपरली फूड को ब्रेक नहीं कर पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा। तो अगर फूड टूटेगा नहीं फूड, तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा। डाइजेस्ट नहीं होगा तो पेट के अंदर पड़ा रहेगा तो सड़ता रहेगा तो टॉक्सिन्स बनाएगा तो वो कहाँ जाएंगे? वो बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब करके कहाँ निकालेगी? स्किन में निकालेगी। गाइज, आपको एक्ने आएंगे, समझ में आ रहा है? ड्यूरिंग द फूड और जस्ट बिफोर हैविंग फूड, अगर आप पानी पीते हैं तो आपका डाइजेस्टिव जूस डाइल्यूट हो जाएंगे। वो अगर डाइल्यूट हो गए तो वो प्रॉपरली फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। आप प्रॉपर जब भी खाना खाएं, प्रॉपर चबा के खाएं। कहते हैं 32 दांत होते हैं और हमें 32 बार दांत एक कौर को चबाना चाहिए ताकि वो प्रॉपरली टूट जाए, टूट के जब पेट में जाए तो डाइजेस्ट ईजिली हो जाए। डाइजेस्ट होगा तो उसके जो न्यूट्रिशन है वो बॉडी एक्सट्रैक्ट करेगी, एक्सट्रैक्ट करके एब्जॉर्ब करेगी, तो हमें फायदा होगा। और एल्स वो पॉटी के थ्रू निकल जाएगा और वो प्रॉपर डाइजेस्ट भी नहीं होगा। तो आप जब भी पानी पिए, आधे घंटे पहले पिए खाना खाने के, या डिनर करने के, लंच करने के, जो भी है, ड्यूरिंग द फूड, जस्ट बिफोर हैविंग द फूड, पानी ना पिए। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं और आपको वेट लॉस की तरफ जाना है तो आप खाना खाने के पहले पानी पी लीजिए ताकि आपका पेट भर जाएगा, आप कम खा पाएंगे। और फ्रूट्स ज़्यादा खाइए और वेजिटेबल्स ज़्यादा खाइए, उस समय वेट लॉस के लिए बोल रहा हूँ मैं। नॉर्मली अगर आपको हेल्दी स्किन रखना है तो मैंने कई रीज़न बताया ना आपको, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, डाइल्यूट हो जाएंगे जूसेस, वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, उसको फूड को तोड़ नहीं पाएगा, फूड टूटेगा नहीं प्रॉपरली, तो क्या होगा, वो टॉक्सिन्स बनेंगे, पेट में सड़ेगा, डाइजेस्ट पड़ा ही रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो पेट कहेगा यार ये डाइजेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, वो पेट के अंदर पड़ा रहेगा, फिर उसके अंदर टॉक्सिन्स बनेंगे, टॉक्सिन एब्जॉर्ब होगा, टॉक्सिन्स तो निकलेंगे कहाँ से, टॉक्सिन्स आपके शरीर से निकलेंगे, पसीने से निकलेंगे, गंदी बदबू आएगी, ठीक है, स्किन से निकलेंगे, एक्ने कॉज करेगा, बहुत सारे रीजन होते हैं ये सब चीज़ों करने के। तो प्रॉपरली खाने के 2 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, ठीक है, और आधे घंटे पहले पानी पी लीजिए, वो काफ़ी है। आधा घंटा पहले सोने के एक ग्लास पानी पी लीजिए, आपकी स्लीप बहुत अच्छी होगी, साउंड स्लीप आएगी आपको और आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाएगी, आपके बीपी भी कंट्रोल रहेगा और बॉडी को जो पूरा दिन भर की थकान होती है वो भी, और बॉडी को जो नीड होती है, ठीक है ना, टॉक्सिन्स को, अब बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए, टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए, वो अपने जब सोती है बॉडी अपने आपको क्लीन करती है, डिटॉक्स करती है। तो आपको एक ग्लास पानी सोने के आधे घंटे पहले पी लीजिए, और जब भी थकान होती है, थकावट होती है, तब पानी पी लीजिए। जब आपको देखो, ये तो मैंने आपको बताया कि राइट टाइम, आपको इतना तो सही समय है कि आपको कब कब पीना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इतना ही पी के खत्म कर देना चाहिए। जब जब आपको थकावट होती है, जब आपको प्यास लगती है, आपको लगता है कि मुझे पानी पीना चाहिए, और पानी तो ऐसा है कि नॉर्मली आपको जब जब दिखे तब तब पी लो, पानी जितना पियोगे उतना अच्छा है, बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव होंगे। इसको भी राइट टाइम एक्चुअल ऐसा नहीं होता कि आपको इसी समय पीना है, बट जब जब आपको पानी मिला पी लीजिए, बट सही समय पे। दैट मीन्स ऐसा नहीं कि आपको पानी मिला, मैंने कहा ओ पानी पीना भी, मुझे खाना भी खाना है, मैंने पानी पी लिया और फिर मैं खाना खाने बैठा हूँ तो डाइजेस्ट जूस डाइल्यूट हो गया, क्या मतलब निकला, वेस्ट हो गया। आप जो खाना खाओगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, ठीक है। मगर आफ्टर फूड, जब जो गैप होता है आपके जो मील्स के बाद का जो गैप होता है, उसमें आप एक ग्लास पियो, दो ग्लास पियो, जितना पानी पीना पियो, गर्मियों में ज़्यादा पानी पियो, सर्दियों में भी ज़्यादा पानी पियो, जब आपको मौका मिले पानी पियो, क्योंकि वाटर तो आपको हेल्दी टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा। जितने ज़्यादा टॉक्सिन्स बॉडी से निकलेंगे, आपकी स्किन उतनी क्लियर रहेगी, उतनी हेल्दी रहेगी स्किन, आपकी बॉडी उतनी हेल्दी रहेगी, उतनी हेल्दीली परफॉर्म कर पाएगी। तो आई होप ये मैं छोटा सा वीडियो बनाया है आपको पसंद आया होगा, और इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा जो लोग पानी नहीं पीते हैं, जो गलत समय पर पानी पीते हैं। तो पहला, आपको मॉर्निंग में उठते ही पानी पीना है, विदाउट कुल्ला करें, विदाउट ब्रश करें, बिकॉज डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं, जो बैक्टीरिया बनते हैं, वो पेट में जाएंगे आफ्टर वर्कआउट, बिफोर वर्कआउट, इंटर वर्कआउट, तो पता ही, बहुत नॉर्मल सा पानी पीना चाहिए। नहाने के पहले पानी पी लो, खाने के आधे घंटे पहले पानी पी लो, सोने के आधे घंटे पहले पानी पी लो, और जब भी थकान हो तब पानी पी लो। सिंपल है यार, इसमें कुछ था ही नहीं, मैंने पता है बहुत बेसिक चीज़ें बताई है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि क्यों इंपॉर्टेंट है। तो स्टे ट्यून्ड विद मी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, मैं बता रहा हूँ, मेरे आईडी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का वहाँ पे, जल्दी से आ जाओ।